गुड मॉर्निंग। आज वोटिंग का दिन है तो वोटिंग तो सबको देना है। उठ गई हूँ सुबह सुबह, चाय वाय पी रही हूँ। देखते हैं वोटिंग के लिए जाना है। तो अभी तो बच्चे तो सो रहे हैं, मैं और हस्बैंड जाएंगे वोटिंग जाने के लिए। तैयार होती हूँ, वोटिंग चले जाते हैं और फिर देखते हैं किसको वोट करना है। और जो देश के हित में काम करे, सोच समझ के वोटिंग, अपना एक एक वोट जो है वो बहुत ही प्रीशियस होता है, तो उसको सोच समझ के ही डालना पड़ेगा। 8 बजे से वोटिंग शुरू हुई है और 9 बजे तक हम चले जाएंगे तैयार होकर। पहले वोटिंग डाल के आऊँ, उसके बाद ये देश का पर्व होता है। ऐसे तो सभी पर्व होता है, लेकिन ये देश का पर्व होता है, तो जाना है, इसको सेलिब्रेट करना है। वोट जो है वो इस्तेमाल करके आऊँगी। अभी तैयार होने जाती हूँ और फिर देख के आती हूँ किसको देना है। तब तक आप लोग भी सोचिए, अगर दिल्ली में है या जहाँ भी हो रहा है, जहाँ जहाँ हो रहा है, कबूली। चलो भाई अब चले वोटिंग के लिए। अब हम दोनों तैयार हो गए हैं, अब वोटिंग के लिए जा रहे हैं। और बच्चे दोनों अभी सोए हैं, उसके वो जब उठेंगे तब जाएंगे। फिलहाल तो हम लोग अभी, वो एक उधर और एक इधर सोया हुआ है, तब हम लोग जा रहे हैं वोटिंग के लिए। और देखते हैं, फिर आते हैं, फिर दूसरा काम करती हूँ। अब वोट देखे आ गई और नहा कर भी नहीं गई थी, क्योंकि भीड़ हो जाती है। फिर बहुत ज़्यादा संडे का दिन था, तो इसलिए पहले सोचा वोट दिया हूँ। और अब जो है नहाऊंगी धोवाऊंगी, फिर नाश्ता वास्ता बनाऊंगी, फिर ये बच्चे उठेंगे तो वो जाएंगे देने। तब तक मैं अपना घर का काम करती हूँ। और मेरा सुबह का नाश्ता ब्रेड मलाई, बहुत सारा मलाई। सबने अपना चाय बिस्किट चाय ब्रेड कर लिया। अब मैं अभी नहा के नाश्ता, और यहाँ पे मैंने एग चढ़ा दिया है। एग देखती हूँ क्या बनाती हूँ, रोटी या फिर चावल। और संडे आपका जो भी रेस्ट काम होता है वो आप सोचते हो कि निपटा ले, तो यहाँ पे वही काम चल रहा है। मैं पहले नाश्ता कर लेती हूँ, बेटी का भी अपना कुछ काम है, वो भी अपना उसको कर लेती है। चावल अंडा और रोटी। कल कुछ खरीद के लाई हूँ तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। गरम कपड़े का सब जगह लग गया है मार्केट, तो फिर गरम कपड़े लेके आई हूँ। Thank you.
जल्दी जल्दी खाना बनाओ, निकलना है मार्केट। पूजा तब तक तुम नहा लो अपना जो करना है बेटा। गीजर चला दियो? नहीं ना, नहाओगी शाम को? जीरा, तेज पत्ता, और ये एक जो है मैंने ऐसे करके निकाल लिया। प्याज में नमक डालती हूँ ताकि वो सॉफ्ट होकर फटाफट जल्दी जल्दी हो जाए, तो अपना जितना ही चाहिए उतना ही डाल देती हूँ। हम लेट से उठेंगे, आराम से उठेंगे, लेकिन हमारे लिए ही जो है वो आफत बन जाती है, क्योंकि फिर सारा काम वही रहता है, सिर्फ हमारा लेट करने से और सारा काम लेट ही हो जाता है। यहाँ मैं खाना को मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी बनाऊँ, तब कुछ एक्स्ट्रा काम जो है मार्केट का वो कर लूँगी, लेकिन देखती हूँ। चीला भी बनाऊंगी, रोटी भी बनाऊंगी, उसके लिए आटा में चीनी डाल देती हूँ अच्छा सा, और इसको ना पानी डाल के मैं घोल दूंगी इसका बिल्कुल पतला सा। ये अच्छा सा इसको घोल देती हूँ, तब तक मेरा मसाला भून गया है। अच्छे से भून लिया, इसमें डाल देती हूँ पानी, इतना भी अच्छा हो उतना, और थोड़ा सा इसमें और गरम मसाला मैं डालूंगी, खोलेगा जब तब अंडा डालूंगी। अब ये खोल गया, इसमें डाल देती हूँ एग साइड से आराम से। ऊपर से धनिया, बहुत सारा धनिया, और 5 मिनट बस और उबाल के और बंद हो जाए। तवा चढ़ा दी हूँ, अब चीला बनाऊंगी, और दूसरी तरफ मेरा एग करी बन के रेडी है, तो इसको अब कर दूंगी बंद और ढक दूंगी। ये बैटर मैंने तैयार कर लिया चीले का, तो अब ये बनाऊंगी। अब मैंने चीले का ही जो ऑप्शन बनाया, और चीला जो है मीठा भी हो जाएगा और रोटी का भी काम कर लेगा, इसलिए चावल अंडा करी और चीला ये जो है आज का दोपहर का खाना हो जाएगा। तो सिर्फ 3 चीले बनाने हैं, एक मैं खाऊंगी, 2 शायद बेटे के लिए, या फिर हम दोनों ही खाएंगे, बेटी तो चावल और अंडा करी ही खाएगी। तो यहाँ पर मैंने चीले बना के तैयार कर लिए, अब खाना निकाल दूँगी दोनों का, और उसके बाद जो है मेरा काम जो है फिर ख़त्म हो जाएगा। चलो 2 कटोरी 2 प्लेट लगा देती हूँ दोनों के लिए।
आज मुझे मार्केट निकलना है इसलिए फटाफट सोच रही हूँ, लेकिन तब भी देखो 2 बज गया है। काम जो है काम से ही टाइम नहीं मिलता, तो क्या जाए।